हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं अस्त। तो दोस्तों जितने भी लोग हैं, जो लोग कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे बारे में या लेख से संबंधित या किसी प्रकार का ओपिनियन साझा करते हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सच मानिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके मैसेज पढ़ता हूं, जब आप कुछ लिखे होते हैं। जैसे कल एक मैडम जी थी, उन्होंने लिखा था कि सर मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं घरेलू काम के साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ और मैं आईएएस बनना चाहती हूँ, तो ईश्वर करे कि आपकी जो मनोकामना हो वो अवश्य पूरी हो। और आप जैसे जिन मतलब जो चीज़ें आपने वहाँ पे शेयर किया था कि मतलब ये जो हाउस वाइफ और उसके बाद प्रिपरेशन भी आप इस तरह की इच्छा रखती हैं और आपके पास समय नहीं होता कि आप कोचिंग में जाएँ, तो इसके लिए आप जैसे लोगों को सलाम करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, अपने ओपिनियन या फिर किसी प्रकार का कोई सजेशन हो शेयर करते रहिए। चलते हैं आगे, पहले उन वाक्यों की तरफ चलते हैं जिनमें क्षमता और कुवत होती है। जो ऊंची छलांग लगाना चाहता है उसे लंबा दौड़ना होगा। याद रखिएगा, हर एक इंसान अपने अपने अनुसार सोचता है और उसी के अनुसार आपको सलाह भी देता है, और हर एक इंसान अपने अनुसार जो सोचता है ना उसी के अनुसार बनता भी है। जैसे मैं हूँ, मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, तो उस बनने के चक्कर में मुझे उस तरह का कार्य करना पड़ेगा, उस तरह की कोशिशें करनी पड़ेंगी, क्षमताएं लगानी पड़ेंगी। तो जो जिस स्तर पर जाना चाहता है, जैसे अगर आपको 1 फुट छलांग लगाना है तो आपको कम दूरी जाकर आपको दौड़ना होगा, अगर 2 फुट करना होगा तो उससे ज़्यादा दौड़ना होगा, 4 फुट 5 फुट जो ज़्यादा दूरी तक छलांग लगाना चाहता है उससे और ज़्यादा दौड़ना होगा। मतलब आप जितना बड़ा कुछ बनना चाहते हैं उतना ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप काम में सफल हो पाएंगे, क्योंकि आज की दुनिया में तमाम तरह के कंपटीशन है। और एक चीज़ मैं आपको हमेशा बताऊं, यू हैव टू प्रेफर अ क्वालिटी नॉट अ क्वान्टिटी, यू शुड बिलीव इन क्वालिटी नॉट अ क्वान्टिटी। जैसे यदि हम लेख को पढ़ रहे हैं तो ऐसा मत करिएगा आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा 5 घंटे, नहीं, आप एक ही लेख पढ़िए पर उसके शब्दों और उसके विचारों में आप पूरी तरह से खो जाइए। जो आप पढ़ रहे हैं उसमें कम से कम 60-65% आपको पूरा उसका एक्सप्लेनेशन पूरा आप कर सकते हैं, सक्षम हो, इस तरह आप पढ़िए, अन्यथा मत पढ़िए। क्योंकि UPSC PCSE सब क्वालिटी प्रेफर करते हैं, आप जितना जानते हैं ना उसमें आपको कोई डगमगा ना पाए, तब जाकर आप एक सिविल सर्विसेज के लिए बेस्ट हैं, अन्यथा दोस्तों फिर नहीं है। इसीलिए कम जानिए पर जो जानिए ना कोई आपको हिला ना सके। अब चलते हैं आगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन को सुधारे दुनिया, जिसे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। तो आज आखिर क्या ज़रूरत पड़ी ब्रह्मा चलानी जी को कि इनके बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों का जो दृष्टिकोण इनकी तरफ लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए लेकर जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन के ऊपर अमेरिका जैसे देश ने और तमाम कुछ देशों ने मिलकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आलोचना की है, उसके कार्यों से स्तब्ध होकर जिस तरह से अमेरिका ने जो रिलीफ फंड करता था, जैसे फंड मुहैया करता था इस ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी तरह से रोक दिया है। और जिस वजह से दोस्तों अभी इस संगठन पे आर्थिक संकट मंडरा रहा है, क्योंकि जितना बड़ा वो अंश देता है शायद ही कोई इतना बड़ा देश देता हो। तो उसने जिस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप जो है कि चाइना के साथ स्टैंड किए, और कई तरह की ऐसी नीतियाँ थी जो हमने अमेरिका जैसे देश में जब इम्प्लीमेंट किया तो आपने वहाँ पर उस चीज़ की आलोचना की और आज आप हमें बता रहे हैं। तो ऐसी तमाम तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और हो सके तो कुछ जो पॉइंट होते हैं ना दोस्तों आप नोट कर लिया करिए, क्योंकि यदि आप कभी भी डगमगाएंगे भी, अगर उस पॉइंट को अगर आपको याद हो जाएगा, कुछ शब्दों का चयन अगर आप बेहतर तरीके से करेंगे तो वो चीज़ें आपको रिकॉल होने लगती हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ लिखा है, देखिए, विश्वव्यापी कोरोना कहर के साथ ही कई मसलों को लेकर बहस शुरू हो गई है। एक तो इसकी स्वतंत्र जांच कराने की मांग जोर पकड़ रही है कि कोरोना वायरस कहां से और कैसे पनपा। इसी के साथ उस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO में सुधार को लेकर भी दबाव बढ़ रहा है, जिसकी छवि को चीन के प्रति झुकाव के कारण बुरी तरह नुकसान पहुँचा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने सबसे पहले WHO में सुधारों का आह्वान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को दी जाने वाली मदद को स्थगित कर दिया, जिससे उस पर सुधारों के लिए दबाव और बढ़ गया। अब सोचिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं सस्वीय गौरवशाली माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी इस चीज़ को वैश्विक मंच पर जाकर कह दिया कि ऐसे कई चीज़ों की अभी भी आवश्यकता है WHO में। तो कहीं ना कहीं इस तरह के देशों को इस तरह जरूर लगा होगा कि ये जो इसके निर्देश हैं, किसी के प्रति ज़्यादा झुकाव है, किसी के प्रति कम है, तो इस तरह के कई बार इनके ऊपर आरोप भी लग चुके हैं। और इस बार जो आरोप लगाया है दोस्तों, अमेरिका जैसे देश ने लगाया है, जिसके लिए माना जाता है कि जितनी भी संगठन है ये अमेरिका के लिए काम करती हैं। चीन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग पर आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। ऐसी मांग करने वाले ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को अपने आर्थिक दबदबे की हेकड़ी दिखाकर धमका भी रहा है। सोचिए, जब कई देश खुलकर सामने आ रहे हैं कि ये जो चाइना में जो भी कोरोना वायरस निकला है COVID-19, इसकी पूरी तरह से जाँच होनी चाहिए और पुष्टि होनी चाहिए कि इसको बनाया किसने है, ये प्राकृतिक है या अप्राकृतिक रूप से बनाया गया है, और इसके पीछे जो WHO भी है, इन दोनों के बीच जो कंस्पिरेसी जग जाहिर हुई है, उन बीच में क्या सच्चाई है। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, पूरी तरह से जो चाइना जैसा देश है तिलमिला उठा, और जो छोटे छोटे देश हैं जहाँ पर ये अपनी ज़्यादातर आर्थिक चीज़ें मुहैया कराता है, वहाँ पर वो दबदबा बना रहा है, लोगों को डरा धमका रहा है कि अगर इस तरह की चीज़ों की मांग करेंगे तो मैं तुम्हें आर्थिक जो भी व्यवस्थाएं भेज रहा हूँ, तमाम तरह की फैसिलिटीज़ भेज रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं कोरोना वायरस से जो समस्याएं उपजी हैं, पूरे देश में दवाओं की कमी हो गई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी हुई है, तो चाइना जैसा देश अन्य जगहों पे मास्क, सैनिटाइजर, तमाम अन्य उपकरण भेज रहा है। तो ऐसे में वो दबदबा बना रहा है और डरा रहा है कि अगर इस तरह की मांग करोगे तो हम रोक देंगे। अंतर्राष्ट्रीय जाँच को लेकर चीन का उग्र विरोध यही बताता है कि वह उन पहलुओं से पर्दा नहीं उठने देना चाहता जिससे यह उजागर हो कि उसके कारण एक वायरस ने पूरी दुनिया को ठप कर दिया। याद रखिएगा, जिस तरह की कह सकते हैं नुकसान हुआ है पूरे वैश्विक देश को, उसका भुगतान चाइना जैसा देश को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लापरवाही किसने किया है, लापरवाही चाइना जैसे देश ने किया, और उसका भुगतान पूरी दुनिया भुगत रही है। तो ऐसे में ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि तुम इस चीज़ को अपने ऊपर लो। और उसके बाद भी देख सकते हैं किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट को काला बाजारी के माध्यम से लोगों में बेच रहा है, पैसा कमा रहा है, मुनाफे कमाने के चक्कर में है। मतलब जिसने इस आपदा को शुरुआत किया, आज वही पूरी दुनिया से पैसे कमा रहा है। इस संकट में WHO ने चीन की कठपुतली की तरह व्यवहार किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कुप्रबंधन पर उसने पर्दा डालने में मदद की। WHO को महानिदेशक टेड्रोस घेबेरियासस पर इस्तीफे के दबाव को लेकर एक ऑनलाइन याचिका सामने आई है, जिस पर 10 लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। लोग टेड्रोस से इस बात को लेकर नाराज हैं कि स्वास्थ्य के मोर्चे पर वैश्विक नेतृत्व मुहैया कराने के बजाय वह खुद समस्या का हिस्सा बन गए। 2017 में WHO के पहले ऐसे मुखिया चुने गए जो एक फिजिशियन नहीं थे। उनकी ताजपोशी पूरी तरह चीन की मेहरबानों से हुई। जी हाँ दोस्तों, जब WHO के कह सकते हैं महानिदेशक की नियुक्ति हो रही थी, तो उसमें पूरी तरह से जो सहयोग किया गया था, जो झुकाव था, वो चाइना की राष्ट्रपति की देन है। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं जो झुकाव फिर उनका भी इनके प्रति है, इस चीज़ को आप मानिएगा। देखते हैं आगे, टेड्रोस के अतीत पर नज़र डालें तो वह इथियोपिया की माओवादी सत्ता के उभरते हुए सितारे थे, जहाँ 1991 में माओवादी मोर्चे ने सत्ता कब्जा ली थी। इथियोपिया के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन पर 3 महामारियों पर पर्दा डालने का आरोप लगा। आज वही काम वह उस चीन के लिए करते दिख रहे हैं, जिससे दुनिया को ऐसी महामारी की चपेट में ला दिया, जिसके कारण पूरा विश्व महामंदी के बाद के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना करने को विवश है। इस पूरे मामले में WHO की हीला हवाली का पता इसी से चलता है कि उसने 11 मार्च को तब कोरोना वायरस से उपजी बीमारी COVID-19 की वैश्विक महामारी घोषित कर दिया, जब कोरोना संक्रमण 111 देशों में पैर पसार चुका था। सोचिए, तब तक वह चीन के झूठे प्रचार को ही आगे बढ़ाता रहा। इससे पूरे देश
गफलत में रहे और उन्हें तैयारी के लिए समय नहीं मिला। जब ताइवान ने 31 दिसंबर को WHO को बताया कि वुहान में एक से दूसरे संक्रमण फैलने की आशंका है, तो इस एजेंसी ने उसे अनदेखा ही कर दिया। चलिए मैं ताइवान की बातों को छोड़ रहा हूँ। चाइना जैसे देश में जहाँ पर वुहान में एक बहुत बड़ी वायरोलॉजी लेबोरेटरी है, जिसके माध्यम से कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे आए दिन इस प्रकार की घटनाएं देखी जाती हैं। लोग एक दूसरे के आनुवंशिक में फेरबदल करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से वो बना होगा। पर दोस्तों, जब कई डॉक्टर ने मिलकर इस चीज़ का खुलासा किया कि ये जो एक बीमारी है, ये पूरी तरह से चाइना को ख़त्म कर देगी, और उन्होंने इसे सार्वजनिक करने की कोशिश की, एक वायरस हमारे बीच आ गया है गलतीवश या जो भी परिणाम हो, वो एक दूसरे के संक्रमण से फैल रहा है और कई जाने ले सकता है यदि हम पहले सचेत में ना आए। तो ऐसे में जानते क्या होता है, इस घटना को सार्वजनिक करने के बाद चीन की जो सेना है, चीन की जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं, उनको जेल में डाल दिए हैं और एक डॉक्टर की मौत भी हो गई। फिर एक डॉक्टर फेने थी, जो महिला थी, उन्होंने पूरी तरह से मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जिसके माध्यम से उन्हें बताया है कि इसमें पूरी तरह से जो संलिप्तता है, जो कंस्पिरेसी है, वो चाइना जैसे देश की है। सोचिए, चाइना की नागरिक इस तरह की बातें करती हैं, उसके बाद उनके ऊपर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्था आपको इतला करे, आपको जागरूक करे, आपको बताए कि फला रास्ते से मत जाइएगा, क्योंकि इस रास्ते से तमाम तरह की चुनौतियां, कठिनाइयां, बीच में कह सकते हैं लुटेरे हैं, फिर सड़कें अच्छी नहीं हैं, तो क्या आप उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे? उसने तो आपको जागरूक करने का काम किया, आपको उसने बचाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता है कि आप चाहते हैं कि उस रास्ते से जाओ, उसमें आपका भी शेयर बनता है। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है, यदि आप उसके अगेंस्ट में थे, उसके फेवर में नहीं थे, तो आपने इस तरह की नीतियाँ क्यों लागू की? क्यों जो लोग बातें सार्वजनिक कर रहे थे उनके ऊपर इस तरह की कुरीतियाँ अपनी थोप दी? तो और 2 हफ्ते बाद उसने यह दावा किया कि मानव से मानव में संक्रमण के कोई संकेत नहीं। उसने तब तक ऐसा नहीं माना जब तक स्वयं चीन ने इसकी घोषणा नहीं की। तब तक संक्रमण चीन के पड़ोसी देशों में भी दस्तक दे चुका था। WHO के इस कदर नतमस्तक होने के बावजूद बीजिंग ने फरवरी के दूसरे पखवाड़े से पहले उसकी टीम को अपने यहाँ नहीं घुसने दिया। सोचिए, मतलब WHO के जो सदस्य थे वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था, उसके बाद वहाँ पे तमाम तरह की जांच पड़ताल करनी चाहिए थी, उसके बाद पूरी दुनिया को इत्तला करनी चाहिए थी, सूचनाएं भेजनी चाहिए थी, पर इन सारी चीज़ों से किस तरह से बेखबर था। यहाँ तक कि जब उसने एक मैनिफेस्टो जारी किया, उसके बाद उस मैनिफेस्टो में इसने कोरोना महामारी को, मतलब ये तक नहीं समझा कि क्यों कि उसके बारे में कुछ यहाँ पे कह दें, कुछ बता दें देश को, कुछ नहीं, मतलब निर्भीक। उसकी टीम के 12 में से केवल 3 सदस्यों को ही उसने अनुमति दी। इन 3 सदस्यों को भी उसने वुहान की उस प्रयोगशाला में नहीं जाने दिया, जिसके बारे में माना जाता है कि वहाँ कोरोना जैसे तमाम वायरस विकसित किए जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना वायरस इसी प्रयोगशाला से निकला। चीन ने WHO पर वर्चस्व वित्तीय योगदान से नहीं, बल्कि शीर्ष पर अपनी पसंद के शख्स को बैठा कर कायम किया। जब SARS के रूप में चीन की धरती से 21वीं सदी का पहला वायरस फैला था, तब WHO ने उसकी कड़ी निंदा की थी। हालांकि कोरोना मामले में टेड्रोस चीन की गलतियों पर पर्दा ही डालते रहे। एक बार नहीं हुआ है दोस्तों, जब SARS था, MERS था, ठीक है, बर्ड फ्लू था, ये सारी जो कह सकते हैं महामारियां, ये चीन की ही देन है। सोचिए, ऐसा क्या करते रहते हैं ये सब कि हर कुछ सालों पर एक ऐसी महामारी को जन्म देते हैं। एक बीमारी लाए थे 1400 ईसा पूर्व में, जिससे यूरोप की आधी आबादी ख़त्म हो गई। मतलब क्या करते रहते हो भैया ऐसा? उनके बयानों को बीजिंग अपनी ढाल बनाता रहा। एक तरह से इतिहास ने खुद को दोहराया, क्योंकि शॉर्ट से मिला यह सबक सही तरह नहीं सीखा गया कि वायरस से लोगों को बचाने के लिए पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। इस बार तो चीन को WHO के रूप में एक साझेदार ही मिल गया, इस साठगांठ की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। जब भी तमाम देश इस अप्रत्याशित संकट से उबर जाएंगे, तो वे बीजिंग पर निर्भरता के जोखिम को कम करने की दिशा में जरूर उन्मुख होंगे। चीन से आर्थिक दूरी अब नए दस्तूर बन जाएगी। जापान ने तो अपनी कंपनियों की विनिर्माण इकाइयां चीन से स्थानांतरित करके $2.2 अरब का कोष भी बना दिया है। सोचिए, जापान जैसे देश ने अपनी कंपनियाँ वहाँ से निकाल के अन्य जगहों पर स्थापित करेगी। इससे तमाम विदेशी कंपनियाँ चीन से व्यापक स्तर पर पलायन कर सकती हैं।
WHO का कायाकल्प बेहद जरूरी है। भारत, जापान, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इसके लिए आवाज़ उठानी भी शुरू कर दी है। इस बीच चीन द्वारा WHO को $3 करोड़ की अतिरिक्त मदद का मकसद सुधार के ऐसे स्वरों को हवा निकालना है। WHO की नीति निर्धारक संस्था वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की आगामी 17 मई को वार्षिक बैठक होने जा रही है। उम्मीद है कि उसमें कई देश सुधार के लिए दबाव डालेंगे। बैठक में ऐसे निरीक्षक को शामिल करने का प्रस्ताव भी आ सकता है जिन्हें किसी महामारी की स्थिति में जांच के लिए किसी भी देश में प्रवेश की अनुमति हो, जैसे हथियार निरीक्षक के पास होती है। सोचिए यार, जो समझ नहीं पा रहे हैं उन्हें समझने की आवश्यकता है कि जो चाइना जैसे देश की जो नीतियां रही हैं पिछले 5-7-10 साल के पीछे, आप जाकर देख सकते हैं वो किस तरह से एक महाशक्ति बनने के चक्कर में एक सागरमाला परियोजनाएं अपने यहाँ लागू किया और तमाम देशों को ऋण दिया, उसके बाद उनके कह सकते हैं द्वीपों पर कब्जा किया, अन्य देशों के, पाकिस्तान की क्या स्थिति, पाकिस्तान को पूरी तरह से उपनिवेश बना दिया है। जिस तरह से उसने ग्वादर बंदर का वहाँ पर निर्माण किया, उसके बाद वहाँ पर सैनिक भी अपने लगा दिया, ज़्यादातर जो मजदूर हैं चाइना जैसे देश के हैं, ठीक है, और वहाँ पर पाकिस्तान के भी हैं। तो ये वही हुआ ना, वो पूरी तरह से आर्थिक मदद करता है, उसके बाद उस देश को कर्ज के रूप में खरीद लेता है, संचालित करने लगता है। ये चीज़ें कई बार इसका विरोध कर चुकी हैं पाकिस्तान की ही कुछ पार्टियाँ, कुछ लोग। चीन किसी भी सूरत में ऐसे सुधार का विरोध करेगा। हालांकि केवल पैसों के दम पर चीन अपनी छवि नहीं सुधार सकता और न ही मौजूदा वैश्विक संकट के लिए दोषारोपण की दिशा बदलने की उसकी मुहिम सफल हो पाएगी। दुनिया को ऐसी विश्वसनीय संस्था की दरकार है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य को चुनौती मिलने पर एक प्रभावी समन्वित वैश्विक रणनीति को आकार दे सके। टेड्रोस ने वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों का जिस तरह राजनीतिकरण किया है उसकी दिशा तभी बदली जा सकती है जब नए नेतृत्व में WHO कायाकल्प के साथ भरोसा बहाल कर सके। ट्रंप ने WHO को दी जाने वाली मदद रोक उनमें सुधार को अपरिहार्य बना दिया है। तो दोस्तों, आज का जो विषय था वो है कि जो समस्याएं पूरे देश को उठानी पड़ रही है उसके पीछे जो एक षड्यंत्र है, एक कंस्पिरेसी है, वो पूरी तरह से चाइना है। जी दोस्तों, पूरी तरह से चाइना जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। तो और वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है, उसमें आप लेख में देख लिए होंगे किस प्रकार से आर्थिक रूप में नहीं दोस्तों, जो उन्होंने शीर्ष पदों पर उन्हें नियुक्त किया था उस वजह से कहीं ना कहीं जितने भी डिसीजन लिए गए चाइना के पक्ष में लिए गए, ठीक है, और दुनिया को आगाह नहीं किया गया। तो ऐसे तमाम तरह की जो बातें हुई हैं और उन्हीं समस्याओं की वजह से आज पूरी दुनिया चाइना के इस कुकर्म को भुगत रही है। तो अब ऐसी तमाम तरह की बैठक बनाई जाए और इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए जिसके मदद से चाइना जैसा देश जो अपनी नीतियों को बढ़ाने के लिए किसी हद तक गिर सकता ऐसा कार्य ना कर सके, ठीक है। और WHO पहली बार ऐसा हुआ कि दोस्तों बुरी तरह से कई देशों के द्वारा लताड़ा गया है, उसका क्रिटिसाइज़ किया गया है और होना भी चाहिए। जो संस्थाएं होती हैं मुक्त होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, वो किसी के फेवर में काम नहीं करती हैं। तो इस तरह के जो कुरूतियों का आरोप लगा है उसके लिए WHO को भी माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी दुनिया से, पूरी आवाम से, क्योंकि इन्हीं की लापरवाही की वजह से जो आज जाने जा रही हैं, जो इटली, भारत, अमेरिका, ईरान, दुनिया का सब कोई देश नहीं बचा जो पूरी तरह से पूर्णबंदी न हुई हो, लॉकडाउन न हुआ हो। ऐसे लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए ऐसे लोगों से। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।